डियर स्टूडेंट्स, आज हम गेट के क्वेश्चंस में 2022 में नोजल एंड कंडेंसर के टॉपिक्स में जो पूछा गया क्वेश्चन उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम में जो दिया हुआ है उसको रीड आउट कर लेते हैं। द फिगर शो ए प्योरली कन्वर्जेंट नोजल विथ ए स्टेडी इनविस्कस कंप्रेसिबल फ्लो ऑफ एन आइडियल गैस विथ कॉन्स्टेंट थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज ऑपरेटिंग अंडर द चोक कंडीशन। द एग्जिट प्लेन शोन इन द फिगर इज लोकेटेड विद इन द नोजल। If the inlet pressure P naught is increased while keeping the back pressure unchanged, which of the following statement are true? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, डायग्राम भी दिया है जिसमें कि फ्लूड जो है पास ऑन हो रहा है अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम साइड में। तो पहला ऑप्शन है मास फ्लो रेट थ्रू द नोजल विल रिमेन अनचेंज। दूसरा ऑप्शन दिया है मैक नंबर एट द एग्जिट प्लेन ऑफ द नोजल विल रिमेन अनचेंज एट यूनिटी। तीसरा ऑप्शन दिया है मास फ्लो रेट थ्रू द नोजल विल इंक्रीज। चौथा ऑप्शन है मैक नंबर एट द एग्जिट प्लेन ऑफ द नोजल विल बिकम मोर देन यूनिटी। तो यहाँ पे जो हमको देखना है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सेक्शन में जब फ्लूड पास हो रहा है जो कि स्टेडी फ्लो में है, इनविस्कस है, कंप्रेसिबल है फ्लो है जो कि आइडियल गैस है, तो उस हिसाब से मास फ्लो रेट क्या हो रहा है नोजल में। तो मास फ्लो रेट हमें नॉर्मली पता है कि वो इंक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ड्रॉप कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारे पास यदि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो उस हिसाब से मास फ्लो रेट इंक्रीज हो रहा है, और यदि ऐसा होता है तो उस केस में मैक नंबर जो है एग्जिट प्लेन में नोजल में वो रिमेन्स अनचेंज होता है एट यूनिटी कंडीशन पे। तो जो ऑप्शन हमारे पास बी है वो सही कहलाएगा।